पन्ना रत्न जो है ये हृदय के लिए कैसा होता है, ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं, इंटरनेट पे भी पूछते हैं, जो लोग मेरे पास आते हैं वो भी ये प्रश्न करते हैं। तो हृदय का बिल्कुल सीधा संबंध तो पन्ने के साथ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है। कैसे? पन्ना जो है ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा तो आपकी हृदय की धड़कनें जो हैं वो इवन रहेंगी, उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि नर्व्स शांत रहेंगी तो बुद्धि जो पे जो वो अपना ऑटो रिएक्शन देती हैं वो पॉजिटिव रहेगा, शांति का रहेगा। जब भी हृदय रोग होते हैं लोगों को, तो उनको जो है कहीं ना कहीं माइंड से एक जो है संदेश आता है, दिमाग से एक संदेश आता है, क्योंकि सब चीज़ों का कंट्रोल तो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है ना, कि बहुत आगे जो है कठिन समय है, दबाव का समय है। तो हृदय जो है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है। तो अगर आप शांत होंगे पूरी तरह से तो इस तरह के कष्ट जो है आपको नहीं आएंगे। इसलिए जो है इनडायरेक्टली हृदय के लिए जो है वो बुध का रत्न बहुत कारगर माना जाता है। वैसे तो जो हृदय के लिए रत्न माना जाता है वो सूर्य का रत्न माना जाता है, क्योंकि हृदय का कारक जो है सूर्य है। हमारी जो धमनियों में लहू बहता है उसका जो कारक है वो सूर्य है। तो सूर्य को प्रबल करने से और बुध को प्रबल करने से बेशक हृदय जो है वो और बेहतर काम करने लग जाता है। हमारा मस्तिष्क जो है वो भी ज़्यादा जो है वो शांति से जो भी परिस्थितियाँ उनके साथ जूझना सीख लेता है, संघर्ष करना सीख लेता है। और संघर्ष तो देखो हर व्यक्ति के जीवन में है। कोई ऐसा बोले कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो झूठ बोल रहा होगा, या तो वो कुछ करता ही नहीं होगा या वो झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि जितने भी आप व्यक्ति देखेंगे, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो जिसका जीवन हम देख के सोचते हैं वाह क्या जीवन है इसका, वो भी एक बहुत जो है लंबे संघर्ष में हर समय रहता होगा, तभी वो अपनी उस परिस्थिति में है। तो उसको जो चीज़ स्ट्रेंथन करती है वो तो उसका माइंड स्ट्रेंथन करता है ना। तो वो अगर वो काम रह के उन चीज़ों को हैंडल करेगा तो आराम से हो जाएंगी, अगर वो उन चीज़ों को हैंडल करते हुए जो है बिखर जाएगा, अपने आप को छोड़ देगा, टेंशन में आ जाएगा, तो चीज़ें वैसे ही बिगड़ जाएंगी। तो बुध और सूर्य का जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो इस चीज़ में हेल्प करता है। मुझे एक बार एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कभी भी इस तरह के उसमें नाम नहीं लेना चाहिए किसी व्यक्ति का। तो बातें हुई उनसे, कई तरह की बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता, जो भी व्यक्ति मेरे समक्ष होता है अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होता है तो मैं बड़े तरीके से उसे समझाता हूँ, वो मेरी बातों को मान लेता है, लेकिन मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आया। क्योंकि गुस्सा करने से तो सामने वाला जो है वो वैसे ही परेशान हो जाएगा, या तो नाराज हो जाएगा या वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तो मैं काम कैसे कराऊंगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि बिल्कुल एक बहुत छोटे गांव से, बहुत छोटी जो है फाइनेंशियल हस्ती से आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो ये पूरा सफर जो है इसके लिए जो सबसे कारगर चीज़, जो चीज़ हमेशा तुम्हारा साथ देती है, काम करती है, वो तो बुद्धि है ना। और जिसकी बुद्धि शांत है वो चीज़ों को शांति से आराम से हैंडल करता है, वो हमेशा कामयाब होता है। इसमें जो है बुध और सूर्य का एक स्पेशल कम्बिनेशन होता है, इसको हम बुध आदित्य योग भी बोलते हैं ज्योतिष में। तो इसको आप यूज़ करिए, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये आपके हार्ट को स्ट्रांग करेगा, आपके माइंड को स्ट्रांग करेगा और बहुत तरह के फायदे देगा। नमस्कार। जेम स्टोन्स मतलब खन्ना जेम्स।